साथियों, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहेगी, लेकिन हम देशवासियों के सपनों को, देशवासियों की आकांक्षाओं को दबते हुए, बिखरते हुए, सिमटते हुए, मुरझाते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमारा जोर देश के विकास पर है, देशवासियों के कल्याण पर है। हमारे परिश्रम से जो परिणाम मिले हैं, इसकी गवाही वो आंकड़े दे रहे हैं जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर बीते 15-20 दिनों में सामने आए हैं। और मैं सभी देश और दुनिया में भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमेशा हिसाब देने की आदत रखता हूं, काम का ब्यौरा हर मौके पर देता रहता हूं। मैं आज सिर्फ 2-3 सप्ताह की ही झलक दिखा रहा हूं आपको, 15-20 दिन की। इतने छोटे से काल में हर भारतीय को गर्व हो। जीएसटी लागू होने के बाद से किसी एक वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाना अभूतपूर्व। इस दौरान देश के टैक्स पेयर ने भी 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक टैक्स देकर नया रिकॉर्ड बनाया। मार्च महीने में ही यूपीआई से 14 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। देश के इतिहास में पहली बार हमारा एक्सपोर्ट 750 अरब डॉलर के पार पहुंचा। देश में कोयला उत्पादन में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में स्टील उत्पादन में भी पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। एचएएल ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया। मोबाइल फोन प्रोडक्शन और मोबाइल एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बना। एक साल में 6,500 किलोमीटर रेल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का रिकॉर्ड भी कुछ ही दिन पहले सामने आया। रेलवे ने 1,500 मैट्रिक टन से अधिक फ्रेट लोडिंग का रिकॉर्ड भी इसी दौरान बनाया। देश के बड़े पोर्ट्स ने एक साल में करीब 800 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। लगातार बंद रहे विकास के ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।